औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र के साथ सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद भी करते हैं। उन सब के लिए मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को भी दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फिर आपको मिल जाएगा। तो आज हमने किसी से खाना बनवाया है, तो ये देखिए उन्होंने हमें पकौड़े बना के दिए हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बहुत ही अच्छे बने हैं। हाँ जी, ये वो अपने घर से लेके आए थे और ये ख्वाब भी, ये देखें। तो आज सभी का दिल कर रहा था कि आप कड़ी पकौड़े बना लें, तो ये हमने किसी से कड़ी पकौड़े बनवाए हैं, जो बहुत ही मज़े के बहुत ही अच्छे बने हैं। ये ग्रीन धनिया है और ये कड़ी पकौड़े, हमारी कड़ी जो योगर्ट की होती है ये वो है। इसमें ग्रीन मेथी भी डाली थी अच्छी तरह काटने के बाद हुई थी। आजकल इन दिनों मार्केट में बहुत फ्रेश मेथी आई हुई है, तो अब मैं इसमें तीन हरी मिर्चें डालने लगी हूँ। ये देखिए, और थोड़ा सा सूखा धनिया डालने लगी हूँ। ये हमारी कड़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है, बाद में पहले हमने कड़ी को अच्छी तरह पका लिया था, फिर बाद में हमने प्याज को और लहसुन को ब्राउन किया बटर में, तो फिर वो इसके ऊपर उसका ना बघार लगा दिया, तो इसके ऊपर डाल दिया, जिसके इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। खट्टी वाली कड़ी है ये, बहुत ही अच्छी है। तो ये हमने पकौड़े बनाए थे जो भी अभी मैं कड़ी में डालने लगी हूँ। ये देखिए कड़ी में डालने लगी हूँ, ज़्यादा तो नहीं पकौड़े। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बन गए हैं। ये हमारे कड़ी पकौड़े तकरीबन रेडी हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको आज रोटी के साथ ही सर्व करेंगे। तो ऊपर में मुझे ग्रीन धनिया ये ऊपर में स्प्रिंकल कर लूँगी। ये देखिए, ये लोग बहुत बारीक बारीक धनिया को काटते हैं, लेकिन मैं इतना बारीक नहीं काटती। ये हमारे कड़ी पकौड़े तकरीबन रेडी हो चुके हैं। मौसम भी बदल रहा है, सभी बीमार हैं, मेरी तबीयत भी बहुत ही ख़राब है आज, मुझे भी काफ़ी बुखार है, फ्लू है और मेरे कान में भी काफ़ी दर्द है इन्फेक्शन की वजह से। तो फिर हमने ये आज कड़ी पकौड़े बना लिए और ये पकौड़े थे। आप बताना आपको जो मेरी वीडियो कैसी लगी। ये वाले ये तो किसी के घर से आए हैं और ये पकौड़े भी किसी ने हमें भेजे हैं। ये भी बहुत ही इनका अच्छा टेस्ट है, इसमें उन्होंने मटर भी डाले हुए थे। ये देखिए, सारी सब वेजिटेबल थी इसमें और मटर भी थे, और ये साथ ख्वाब थे, इसमें उन्होंने प्याज काट के डाला हुआ है। और ये पकौड़े आप यकीन करें, कड़ी इतनी अच्छी इतनी मज़े की बनी है। ये देखिए, कभी कभी आप खाना बना के थक जाते हैं, किसी और के हाथ का खाना हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए व्यूअर्स, आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कड़ी पकौड़ी अगर अच्छी लगी, दोस्तों के साथ सब फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कर लेना और दुआ में मुझे याद रखना। मैं भी अपने सब सब्सक्राइबर और व्यूज़ को हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, बाद रहें, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करें। ये मैंने पकौड़े थे और ये वाला ब्रेकफास्ट था। मुझे देखिए, आप बताना आपको कैसा लगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये भी बहुत ही अच्छा है।
और ये मैं स्वीट्स के लिए ये लेके आ गई थी। ये भी बहुत ही अच्छे हैं स्कॉन्च, इसमें ये चेरीज भी डाली हुई हैं, ये बहुत ही मज़े के टेस्टी है। आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी दोस्तों के साथ साथ फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करना। दुआ में मुझे याद रखना, मैं भी अपने व्यूअर सब्सक्राइब कर हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ। जा रहे खुश रहें, बात रहे, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। आखिर में वही बात, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी मत सोचिए। अल्लाह हाफिज़।